अभी सुबह सुबह उठ के आया हूँ और इनकी शरारतें शुरू हो गई हैं। ये चड्डी मेन और ये बड़ा मेन कह रहे मुझे बाइक पे चक्कर दिलवा के लेके आओ धूप के अंदर। अजरान जाना कितना खुश है। चलो आओ, चलो बैठो बाइक पे। देखो कैसे टिंडे मिंडे खुश हो रहे हैं। ये रिहा बाइक चला रहे सुबह सुबह। अब ये नाश्ता करके उठा ही हूँ और कह रहे बाबा मैं चक्कर दिलवा के लेकर आऊँ बाइक पे, तो इनके लिए निकला हूँ मैं। देखो कैसा टिंडी कैसे बैठी हुई है, टिंडी मजा आ रहा है, हंस रहे हो कि नहीं हंस रहे? बस अब यहाँ से यूटर्न लेके चलते हैं घर। बस अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फात खान, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बच्चों को सैर करवा के लेकर आ गया, अभी मैं उठा था, नाश्ता वगैरह किया है, तो ये कह रहे हैं मुझे पहले चक्कर लगवाओ, बाकी काम बाद में करना। पहले इनको मैं बाइक का चक्कर लगवा के लेकर आया हूँ, अब नहा के फ्रेश हुआ हूँ, तो अब खाना खाएंगे थोड़ी देर तक। अभी तो खैर हलवा पूरी का नाश्ता किया है आज हमने, पापा लेकर आए थे बाज़ार से हलवा पूरी, तो चर्सी करवा दी हलवा पूरी ने, तो अब कोई एक डेढ़ घंटे तक है ना, फिर इंशाल्लाह ताला हम दोपहर का खाना खाएंगे। रब्बू भी भाई नहा के तैयार हो गया है, माशाल्लाह से फ्रेश हो गया, और ये अजरान भैया हैं, अजरान भैया भी नहा के फ्रेश हो गए हैं। पाउडर इतना लीप था अपने मुंह पे, पाउडर खाएगा, पाउडर निकालेगा, पाउडर छीन लो फिर रोता है पाउडर के लिए, ये पाउडरी पाउडर हुआ पड़ा है, पाउडरी पाउडर हुआ पड़ा है। बाबा जी? ये पाउडर खाना तो मैंने दो बाइट ले लिए पाउडर। ओ तेरी खैर, तुम तो ऐसे ही पाउडर खा रहे हो, तो शवारमा खा रहे हो हैं? है मैं चड्डी मैन जी, बड़ा पाला लग रहा है जींस का चड्डा पहन के। मैं बोनू यहाँ की हमारी गर्मा गर्म रोटी, और आज हमारे घर पे बना है कीमा, मेरी फेवरेट डिश बनी आज कीमा, तो खाते मज़ा करते हैं। कीमा मुझे बचपन से इतना पसंद है कि मैं स्कूल से आते ही सबसे पहले ना मैं कीमा मांगता था, तो आज मेरी पसंद का कीमा बना है, तो खाने के लिए चलते हैं, मुझे बड़ी भूख लग रही है देखते के साथ। गर्मा गर्म रोटी बन रही है, खाना खाकर हम आ गए हैं, और रिहाब ऊपर आया साइकिल चलाने के लिए। माशाल्लाह से बारिश वाले बादल बनते जा रहे हैं, अल्लाह करे कहीं बारिश आ जाए। इधर से भी बादल आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक से। बाबा? जी कल कितने परसेंट बारिश आएगी? कल 45% उन्होंने बताई हुई है, और परसों 65% बताई हुई है। कल और परसों बारिश आ सकती है, और आज बादल हो रहे हैं, आज का भी कोई पता नहीं है अल्लाह का काम है। मैं बोल रहा हूँ कल और परसों तेरम तेरी बारिश आ सकती है। रिहाब आपने वो चेयर के ऊपर क्यों साइकिल ऐसे करके रखी हुई है, ये क्या कह रहे हो? क्यों? मुझे ऊपर मैकेनिक, हाँ हाँ गाड़ी ऊपर करते जी जी, हाँ मैकेनिक हाँ। तो वो इसलिए करे, मैंने बोला था चलो आज मॉडिफाई करवाते तो के मैकेनिक नीचे घुस के ना काम कर सके। कह रहे जैसे मैकेनिक उठाते ना लिफ्ट के ऊपर गाड़ी, वैसे मैंने उसके ऊपर उठाई हुई है ताकि मैकेनिक नीचे घुस के ना काम करे। काम देखो इसका, और मैकेनिक बोल ये देखें, ये रिहाब की मम्मा ने कश्ती बनाई है, कितनी प्यारी है, हमने ना बोला। हाँ आपकी है, मुझे पता है, इसको पकड़ो, मुझे पता है। इसका नाम थोड़ा पहले पानी में डालते हैं, ऐसे चलती है देखो, वाह भाई वाह, इसको छेड़ना नहीं है। कितनी जबरदस्त भाग रही है। मेरे बचपन के दिन पता है, जब मैं बड़ा हुआ फिर याद करना। आप फिर याद करोगे मेरे बचपन के दिन? हाँ, बोर्ड चलाता था, और अब देखो मैं ये करता हूँ, मुझे बोर्ड भी नहीं मिट्टी चलाने की है, इतना मजा आता है। हाँ जब आप बड़े हो जाओगे फिर हम यही कहेंगे मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे। हाँ और आपके भी, और आपकी बोर्ड देखो गीली होती जा रही है, निकाल लो। पानी चला गया। हाँ, इसको मुजम्मिल और मैं बाइक पे जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, और मुजम्मिल ने रेस दी हुई है, मैंने ये वाला एक साइड पकड़ी हुई है, क्लच वाली साइड। माशाल्लाह नई बाइक का मजा ही अपना है यार, मजा ही अपना है यार। मोटे जी कहाँ गए थे यार त्यार होके? त्यार होके सुनन चाह आया हलवा पूरी वाली दुकान है संदीन, छिपकली निकली अज बंद है अज दुकान नाश्ते की।
वैसे ही किसी ने बदनाम करने के लिए कोई हरकत की है, क्या चक्कर है? इंशाल्लाह हकीकत आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं कुछ भी पता। आज माशाल्लाह से देखें मिकी माउस भाई आए हुए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना? वाह, तू आप की पीनी है पेप्सी? बेटा सिर्फ बोतल ही आया है, जिन्हें स्प्राइट नहीं पीती उन्हें कुछ नहीं पीता, क्या उसका जी नहीं ना पता? जी सर, हो सुनाओ ठीक ठाक हो? तुसी आते हो भी लांदे से ना मूंगफली वगैरह? बस है के थोड़े तो लाए ना, फिर आला क्या काम शुरू होने लगा है? भाई की ड्राई फ्रूट की दुकान है, बड़ा अच्छा ड्राई फ्रूट देते हैं, हम इनसे लेके जाते हैं अक्सर। रंगपुरे के अंदर इनकी दुकान है, ये रंगपुरा नजर आ रहा है ना आपको, ये चौक है ये रंगपुरे का, ये मुस्लिम बाजार का रास्ता बिल्कुल इसके ऑपोजिट सामने भाई बैठे होंगे। ठीक है भाई, एडवर्टाइजमेंट कर दी मैंने आपकी पहले ही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया अपने नए व्लॉग के अंदर। बाकी ये व्लॉग मतलब कि कल का ही चल रहा है। माशाल्लाह से रिहा भी स्कूल से आ गया, आज तैयार होके नहा के बैठा हुआ है। अजलान भी यहाँ पे चिज्जियाँ खा रहा है। रिहा अपन चले आपका सिपारा लेने के लिए, आज आपके कार्य साहब आएंगे, चले चलाओ सिपारा लेकर आए, नूरानी का इधर लेके आने, कलर वाला रंगीन। हमने 2 किलोमीटर जाना है, ओनली 2 किलोमीटर। यस उठो यार, आ जाओ, कार्य साहब आ जाएंगे आपके, 2:30 बजे का टाइम है उनका, 10 मिनट में आप आने जाना करना है जल्दी, 10 मिनट तो खेलने लगेंगे, 15-20 मिनट लग जाएंगे। कार्य साहब कहते मैं 2:45 बजे तक आऊँगा, आ जाओ चलाओ ना यार जल्दी। नहीं जाना। कितना जाना है फिर आप बताओ, चलाओ जल्दी आ जाओ यार। थका हुआ है स्कूल से, कह रहा मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा, अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं लेकर आता हूँ फटाफट इसका नूरानी का आईना। आ गए हम शॉप पर। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, नूरानी का आयदा मिलेगा कलर वाला? एक चाहिए दे दे। आप YouTube चैनल पे भी जी जी ये कलर वाला क्यों मंगवाते हैं गाजी साहब? कलर वाला बच्चे पसंद करते हैं ना। अच्छा, इस वजह से ये एक जैसे ही सही सही चीज़ एक ही है, मतलब सही सही। क्या प्राइस? ये 50 रुपए का, ये 60 रुपए। चलें दे दें, ये वाला कर दें, ग्रीन और वाइट। ओके भाईजान बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इतना सा काम था, फटाफट लेने के लिए आया, मेरे को उसके कल सब आ जाएंगे। मेरी हसन दिन की दुकान ये बंद है कल से, इधर निकली थी छिपकली, पता नहीं कब तक खुलेगी, ये बड़ी मशहूर दुकान है हलवा पूरी की, वो भी बंदा कह रहा चिपकली निकली है इसके अंदर, यकीन तो नहीं आ रहा, हो सकता भाई निकली हो। वो दुकान भी बड़ी मशहूर थी, वो हलवा पूरी की हसन दीन, और है ना इलामा इकबाल के ज़माने की, समझो जब पाकिस्तान भी नहीं बना था तब की है ये, तो रात का ये वाकया हुआ है, तो अभी तो फिलहाल बंद है दुकान, अब देखते हैं कब तक खुलेगी, क्या बनता है, जुर्माना तो होगा, ऐसे निकलवाएंगे वो जब तक सफाई का पूरा खास ख्याल नहीं रखेंगे वो। रिहा बेटे ये देखो मैं आपका नूरानी कायदा लेकर आया हूँ, देखा है आपने, देखो कितना पाल है, इसे खोलो, अल्लाह ताला का घर है, और ऐसे ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे बेड पे नहीं रखते इसको, ऐसे ऊपर रखते हाथ में,
ऐसे करके देखो फर्स्ट पेज से छोड़ो इधर से सही है। अभी आपके कार्य सब आने वाले हैं ना, फिर पढ़ना आप ठीक है। ये जो हमारे घर पे ये सोफे रखे हुए ना, ये वाला सेट जो रखा हुआ है, ये वाला और इसके साथ ये टेबल है। ये एक तो इधर ऑयल के निशान लगे हुए, कपड़ा सारा है ना ख़राब ही हुआ हुआ है एक हिसाब का। और ये इतनी बढ़िया मुझे कुर्सियाँ टाइप है ना पसंद नहीं है, इसको मैं आज सेल करूँगा और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम लेकर आएंगे सोफ़ा कम बेड। ये जो मैंने आपको सोफे दिखाए ना, ये पहले इधर लगे हुए थे इस तरफ ना, यहाँ से विंडो खुलती थी और मतलब कि जगह सारी ऐसी वेस्ट ही होती है, और उसकी जगह पे हमने चरपाई भी छाली थी कि रिहाब सो जाया करेगा। लेकिन अब ये सोफे सेल करके यहाँ पे हम सोफ़ा कम बेड लेकर आएंगे। एक तो उसकी हाइट नीचे होती है, खिड़कियाँ भी खुलेंगी आराम से ठीक है, और बाकी बच्चा भी आराम से सो सकता है, बेड बन जाएगा। वो सोफ़ा भी बन जाता है और ऐसे करके खींचे ना बेड बन जाता है, आप इधर सोया करना ठीक है ना। अभी पहले आज ये बंदे को सेल करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला उसको मैंने फ़ोन किया है, अभी आ रहा है वो, तो अगर वो सेल हो गया ना तो फिर दो चार दिन में देखते हैं कहीं से अच्छा बनता हो या मिलता हो बना हुआ, तो फिर वो लेकर आते हैं ठीक है। शाबाश शाबाश लाला की जान, कचरा उठा लिया उठा लिया, ये वो बास्केट धो के जाना ठीक है। कटिंग किसने करवाई थी? अंकल ने। पापा ने? वाह दिखाओ बाल, ऐसे घूमो उधर को घूमो, वाकई याद देखो भाई की कटिंग हुई है, दादू ने करवाई सही। डस्टबिन किधर है? बाहर है। सूप बनाना? अच्छा सूप कैसे? हाँ सूप बनाना है, अच्छी तरह वॉश करके रख के जाना है ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, आप सब कैसे हो? ठीक हो? आपको ही ढूंढ रहे थे, मैं आपका ही वेट कर रहा था। इधर बैठ जाओ भले सामने, इधर हवा में। और सब ठीक ठाक है? पढ़ के आ गए स्कूल से? जी जबरदस्त, मैं भेजता हूँ अपना बेटा ठीक है, अच्छा सा पढ़ाना है जरा इसको यार, अच्छी बुनियाद बनानी इसकी ठीक हो गया। इधर हाफिज साहब के लिए टैंक शरबत बन रहा है। ये कुछ सालन बचा हुआ था तो ये मैं अपने जो कचरा उठाने वाले आते हैं ना उनको देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग भी जो घर पे एक्स्ट्रा सालन वगैरह बचा करें ना, अपने हमसाए या किसी पड़ोसी को या किसी ऐसे गरीब इंसान को दे दिया करो कि उसका पेट भर जाए, बजाय के घरों में फ्रिजों में तुम रख रख के सड़ा देते हो और फेंकनी पड़ती हैं बाद में चीज़ें, तो ऐसा ना किया करो, अपने हमसायों को दे दिया करो, इससे सवाब भी होगा और अल्लाह भी राज़ी, और बेचारे जो भूखे होंगे वो भी, उनका भी पेट भर जाएगा। क्यों जी, सही बात है कि नहीं? सही गल करना पे ना, मैं समझदार हो गया कि नहीं? समझदार हो ना, हो गया। और क्या, अल्लाह भी राजी ते हमसाया भी राजी। रिहाब बारिश देखो कितनी तेज हो रही है, रिहाब बारिश देखो, वाह भाई वाह कितनी तेज बारिश हो रही है, बिजली भी जगमग जगमग कर रही है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। दीवार भी डूब सकती है, और ये भिंडी देखो छोटी सी भिंडी, अजलान बारिश देखो, अजलान बारिश, माशाल्लाह से बारिश बड़ी तेज हो रही है, मौसम हो गया सुहाना। और अब तुम्हें अब चलेगा थोड़ा सा बहाना, और बाकी अब चलते हैं इंशाल्लाह ताला, मिलते हैं आपको अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ आपका ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। ओके हो गया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कैसे?